हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो देखो एक सेट स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप आखिरी तक देखिएगा। देखो पूछा कि यहाँ पे अ थिन 3060 सेट स्क्वायर हैज इट्स लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। इट्स सर्फेस मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द वीपी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। देखो आप क्या बोला है, इट्स सर्फेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वीपी। तो ये अपना क्या क्लू है, ये क्या क्लू देगा बताओ तो, कि अपना जो सेट स्क्वायर बनेगा, देखो कहाँ बनेगा अपना, ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। ये तो ये अपना एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गया। एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या बनेगा अपना, ट्रू शेप बनेगा। तो मुझे एक ट्रॉफी मिलेगा, फिर ट्रॉफी को जब मैं इंक्लाइन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वीपी, ठीक है, तो अपना सरफेस इंक्लाइन हुआ कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबको ऊपर लेके आएंगे, सबको आगे लेके आएंगे, अपने को ये मिलेगा, फिर देखेंगे कि इसको एचपी के अबाउट कैसे घुमाना है। तो फिर से बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या क्या दिया यहाँ पे। 3060 सेट स्क्वायर, 3060 स्क्वायर सेट का मतलब आप पहले यहाँ पे लेंथ ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको इसका लेंथ दिया नहीं है, ठीक है। देखो आप कहीं भी क्वेश्चन पढ़ोगे आपको इसका, देखो आपको हाइट दिया नहीं है कि सेट स्क्वायर का हाइट क्या है। आप चाहो तो उसको 5 सेंटीमीटर अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर अपने हिसाब से ले लिया, इसको मैं ए डैश, इसको बी डैश, इसको सी डैश अपने हिसाब से कंसिडर कर लिया। लेकिन देखो अपन बनाएंगे कैसे, यहाँ से 60 लिया है तो यहाँ से 30 लिया है। आप चाहो तो यहाँ से 60 लेके यहाँ से 30 ले सकते हो, इट इज़ अप टू अस। चाहो तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, ये वाला फिगर यहाँ बना के इसको अपन यहाँ बना सकते हैं, इधर तब भी अपन बी को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ओके, ये अपना बन गया फ्रंट व्यू। तो सभी तीनों पॉइंट्स को ऊपर नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। देखो ये अपना क्या लॉन्गेस्ट एज है, ठीक है। देखो पूछा कि यहाँ पे 3060 स्क्वायर हैज इट्स लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी। देखो लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी बोला है, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट एज अपना कौन सा, ए डैश सी डैश, ठीक है। देखो वीपी में अगर देखो तो अपना लॉन्गेस्ट एज अपना कौन सा है, ए सी हुआ कि नहीं। ओके तो इसको अपन जब वीपी से इंक्लाइन करेंगे तो देखो एसी को हम क्या करेंगे, एक्स वाई में ही रखेंगे, बिकॉज देखो क्वेश्चन क्या बोला है, लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी। तो इसके लिए ये अपना क्या होगा, वीपी हो जाएगा भाई। टॉप व्यू के लिए एक्स वाई अपना क्या होता है, वीपी होता है, और फ्रंट व्यू के लिए एक्स वाई अपना क्या होता है, एचपी होता है। तो बस इसको अपन क्या करें, इंक्लाइन कर दिए, कीपिंग दिस इन एक्स वाई रेफरेंस लाइन, 40 डिग्री इंक्लाइन कर दी। यहाँ से आप मेजर कर लिए, यहाँ पर किसको काटे, तीनों पॉइंट्स ऊपर लेके आओ, तीनों पॉइंट्स आगे लेके आओ, आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी। देखो वही जो आपको लॉन्गेस्ट एज दिया हुआ है, दैट इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द एचपी। तो देखो ये आपको जो दिया हुआ है A1C1 जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, A1C1 को 30 डिग्री इंक्लाइंड किया है। इसको नीचे क्या होगी ना, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री टू द एक्स वाई लाइन ही होगा। अब देखो बुक में क्या क्या पता है, बुक में इसको पूरा का पूरा 180 घुमा करके यहाँ पे रखा है, ठीक है। इसको पूरा घुमा दो 180, उसको यहाँ पर रखो तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। आप चाहो तो सिंपल तरीके से इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिए, यहाँ से यहाँ पर राउंडर में मेजर के यहाँ पर स्क्वायर सा काटे, यहाँ से यहाँ तक मेजर के यहाँ पर स्क्वायर सा काटे, मतलब पूरे को आप यहाँ पर रख करके तीनों पॉइंट्स को नीचे में ला सकते हो और इसको आगे भी ऐसा मिला सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं है। चाहो तो ऐसा बनाओ, चाहो तो जैसा आपको बताया ना वैसा बनाओ, दोनों तरीके सही है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।